गिगरानी माइनर की टेल पर बसे लगभग एक दर्जन गांव के किसानों के चेहरों पर उस समय मुस्कान तैर गई जब माइनर की आखिरी टेल पर पानी पहुंचा। जिस पानी के लिए उन्होंने लगातार 5 दिन तक संघर्ष किया और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। सिंचाई विभाग द्वारा बीती रात को छोड़ा गया पानी आज सुबह जैसे ही टेल पर पहुंचा तो दर्जन भर गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हुए और उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर के तले लगभग दर्जन भर गांव के किसानों ने उनको लगातार 5 दिन तक पानी के लिए संघर्ष किया था। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने बताया था कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। पानी न पहुंचने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी। पानी की किल्लत की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। शुरू में किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दिया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने माइनर पर धरना दिया और आज उनका सपना पूरा हो गया क्योंकि टेल के आखिरी छोर तक पानी पहुंच चुका है। ये एक या दो दिन की बात नहीं, लगभग 20 वर्षों से ये सब चलता आ रहा था, लेकिन आखिर किसानों की जीत हुई। लड़ेगा किसान तो जीतेगा किसान। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। ये मेयर बनने के बाद 15 साल में आज पहली बार जो किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो उसमें 5 दिन की आज मेहनत हमारे विक्कल भाई प्रचार के नेतृत्व में, उसका संघर्ष आज हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारी टेल पे 15 साल के बाद आज पूरा पानी मिल रहा है और सभी किसान भाइयों की एकता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए खेड़ी गाँव की तरफ से मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और 15 साल में पहली बार हमें इतना पानी आज टेल पे देख रहे हैं और सारे गाँव में खुशी की लहर है। जब हम लोग जल सत्याग्रह पर बैठे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि जिस नहर में पिछले 20 सालों से पानी नहीं है, ये क्या जादू कर देंगे, किस प्रकार से सत्याग्रह से पानी आ सकता है। तो संघर्ष की हमें तो पता था हमेशा जीत होती है, तो वो संघर्ष हमने शुरू किया लगातार 5 दिन दिन रात यहाँ पर नहर के अंदर बैठे रहे, जिसको मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और हमारे साथ लिखित समझौता हुआ कि टेल पर पानी पूरा होगा, नहर निर्माण के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाएगा। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है, ये सारे किसानों के संघर्ष की जीत है। सभी किसान इस संघर्ष के लिए बधाई के पात्र हैं। पहली बार इस नहर में टेल तक पानी चल पहुंचा है, लिफ्टों पर मोटर चल रही है, जिस मोटर ने 15-20 साल में कभी पानी नहीं देखा, तो ये सारे किसानों की जीत है। लड़ेगा किसान जीतेगा किसान।